गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ड्यूटीज ऑफ एक कंपनी सेक्रेटरी की बारे में पढ़ेंगे। कंपनी सचिव के कर्तव्य। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2005 में पहली बार कंपनी सचिव के कर्तव्य या कार्य निर्धारित किए गए हैं। इस धारा के अनुसार कंपनी सचिव के कर्तव्य या कार्य इस प्रकार हैं। कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, अन्य लागू होने वाले कानूनों अनुशीलन करने के बारे में संचालन मंडल को रिपोर्ट करता है। दूसरा, कंपनी पर लागू होने वाले सचिवीय मानकों का अनुशीलन सुनिश्चित करता है। तीसरा, अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो निर्धारित किए गए हैं। इस धारा के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों तथा विभिन्न अधिनियम के अंतर्गत भी कंपनी सचिव के महत्वपूर्ण कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है। न्यायमूर्ति पामर ने इस संबंध में लिखा है कि सचिव के कर्तव्य कंपनी के आकार, प्रकार एवं प्रकृति तथा इसके साथ किए गए अनुबंध पर निर्भर करते हैं, किंतु प्रत्येक स्थिति में वह कंपनी तथा संचालन की सभा में उपस्थित रहेगा तथा उपयुक्त रीति में सूक्ष्म लिखेगा। कंपनी सचिव के कर्तव्य की प्रकृति व्यापक है। इसके विभिन्न कर्तव्यों का अध्ययन हम इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले से उस कंपनी सचिव का जो कर्तव्य है, वैधानिक कर्तव्य आता है। वैधानिक कर्तव्य में क्या है? कंपनी अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित कर्तव्य सचिव के वैधानिक कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं। सचिव के इन कर्तव्यों को संक्षेप में हम आज बताना चाहेंगे। पहला, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी अधिनियम की बहुत सी धारा या स्थान सचिव के कर्तव्य को उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सचिव की प्रमुख कर्तव्य इस प्रकार हैं, जैसे कंपनी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाने वाले दस्तावेजों या कार्रवाई पर हस्तक्षेप करना, आवंटन का प्रत्यय रजिस्ट्रेशन के पास भेजना, रजिस्ट्रेशन की अंश पूंजी में वृद्धि की सूचना देना, आवंटन के 2 माह के भीतर अथवा हस्तांतरण के 1 माह के भीतर अंश का प्रमाण पत्र भेजना, प्रत्येक सदस्य को ऋण पत्र का निरीक्षण के लिए न्यास विलेख उपलब्ध कराना तथा उनके अनुरूप करने पर तथा निर्धारित शुल्क अदा करने पर 7 दिन के भीतर सदस्यों तथा ऋण पदाधिकारी को इसकी प्रति भेजना। तो कंपनी अधिनियम के जो बहुत से कर्तव्य होते हैं जो वैधानिक रूप से आते हैं, वो मैं आज आपको बता ही रही हूँ। ये सारे पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इसका अन्य कंपनी अधिनियम की अधीन कर्तव्य। इसी का जो दूसरा पार्ट है, जैसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत सचिव का ये कर्तव्य है कि वह देखा कि आवंटन पत्र, अंश प्रमाण पत्र, अंश अधिपत्र, अंश ऋण पत्र तथा हस्तांतरण पत्रों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप उचित स्टाम्प सही ढंग से लगा दिए जाते हैं। संपत्ति कर अधिनियम, आयकर अधिनियम और ये सभी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी के जो कर्तव्य आते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था, पहला पॉइंट वैधानिक कर्तव्य, दूसरा है संचालकों के प्रति कर्तव्य। कंपनी सचिव संचालकों के द्वारा नियुक्त प्राप्त कर्मचारी होते हैं। अधिक संचालकों के प्रति उसे निम्नलिखित कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। संचालकों के निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। संचालन मंडल की सभाओं का आयोजन करता है। वैधानिक मामलों में संचालन की सलाह देता है। संचालकों को कंपनी के खातों, श्रमिकों, उत्पादन, वितरण, प्रबंध की आदि के संबंध में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराता है। संचालकों द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करता है। संचालकों द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करता है और अभिलेखित फाइल प्रपत्र संचालकों का अवलोकन प्रस्तुत करता है। तो ये संचालकों के प्रति कर्तव्य था। प्रबंधकों के प्रति भी कंपनी सचिव का जो कर्तव्य होता है वो इस प्रकार है। प्रबंध या प्रबंध संचालक को अन्य पक्षकारों से संपर्क करवाना, समस्त वैधानिक प्रलेख यथासमय प्रस्तुत करना, अभिगोपन दलालों विक्रेताओं के साथ किए जाने वाले ठहराव को तैयार करना,
कंपनी के कार्यालय के कुशल व प्रभावी संगठन नियंत्रण के प्रबंधकों को सहायक करना, अंशधारियों के प्रति कर्तव्य, इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो चौथा पॉइंट है, अंशधारियों के प्रति कर्तव्य, शेयर होल्डर के प्रति एक कंपनी सचिव की क्या ड्यूटी होती है, सचिव संचालकों तथा अंशधारियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, इसलिए उससे अंश